आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत कपूर, जो कि फिल्म चलती रहे जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें, ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को ऑडियंस का काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। चलिए हम आपको एक्टर से मिलवाते हैं। सिद्धांत, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने बुलाया मेरा इंटरव्यू लेने। सुमित जी, सिद्धांत, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये साल आई थिंक कपूर्स के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि सिद्धांत की फिल्म चलती रही जिंदगी रिलीज हो चुकी है। 15 अगस्त को श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 आ रही है दर्शकों के बीच। तो क्या एक्साइटमेंट है फैमिली में, क्या जश्न मनाया जा रहा है? एक्साइटमेंट तो ये था कि जब हम दोनों की फिल्मों का जो ट्रेलर है वो साथ में निकला था, अच्छा सेम डे पे निकला था, तो घर पे ना इतना दो अलग अलग किस्म की फिल्में देखने मिल रही है, और बेटा भी है और बेटी भी है, तो मतलब मैं अपने माता पिता को सबसे ज्यादा और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है इस लाइफ टाइम में कि बहन और भाई साथ में। आई मीन ऑफकोर्स वो तो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है, मैं अलग किस्म की फिल्में करता हूँ कभी कभी, मोर आर्ट एंड मोर नॉट फॉर द मासी सो मच, तो माहौल तो बहुत सही है और उसकी तो बहुत ही चर्चा है स्त्री 2 की। मेरी फिल्म को भी अच्छे रिव्यूज मिले, हमें भी काफी अच्छे रिव्यूज मिले, मुझे जो मैंने कैरेक्टर निभाया है वहां पर, तो अच्छा अच्छा माहौल है, ये साल भी अच्छा है। आपको आपकी एक्टिंग को लेकर क्या रिव्यूज मिल रहे हैं? ओ, काफी सारे अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं एक्चुअली, फर्स्ट टाइम बहुत ही इतने हाई लेवल का रिव्यूज मुझे ज्यादा मिला है इस फिल्म के लिए, तो आई एम रियली थैंकफुल टू माय डायरेक्टर एंड टू माय प्रोड्यूसर एंड द होल टीम। एक फिल्म एक टीम टीम अगर नहीं है अच्छी और ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग तो एक अच्छी फिल्म नहीं बन सकती है, तो इट्स ऑल माय टीम, दैट्स अबाउट इट। अभी 2 दिन पहले फिल्म का प्रीमियर हुआ था मुंबई में, जिसमें काफी आपकी फैमिली के अलावा काफी गेस्ट आए थे। तो उस समय क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं थी आपकी एक्टिंग को लेकर, फिल्म को लेकर? कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई सीनियर एक्टर्स आ जाते हैं, फिल्म मेकर्स आते हैं, तो थोड़ा साइड में ले जाके थोड़ा हमको बता देते हैं, नहीं, आपको ऐसा करना था, ऐसा कुछ नहीं हुआ? वैसे ये फिर इस फिल्म के लिए तो कुछ मुझे बोला नहीं है, तब काफी तारीफ ही हुई है, थैंक गॉड, थैंक द यूनिवर्स, मैं आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन कि पीपल आर लाइकिंग माय परफॉर्मेंस। मैंने काफी कठिन टाइम पे ये फिल्म शूट की, हम सब लोगों ने कोविड के दौरान, ये फिल्म भी कोविड के ऊपर है, अबाउट द फैमिलीज हाउ दे कम टुगेदर और कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे मेंटल फिजिकल इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, ये सब को आरती ने बहुत ही प्यारी तरह से ये टॉपिक्स को छेड़ा है, एंड आई थिंक एवरीवन शुड वॉच दिस फिल्म। जैसा कि हम जानते हैं, फिल्म ये कोविड काल के ऊपर बेस्ड है, तो आपका ये कोविड काल कैसा बीता? आपको क्या, आप उस आई थिंक आप गोवा में थे उस टाइम, आपने बताया था, तो मैं गोवा में फंसा हुआ था एक्चुअली, ये मुझे भी कोविड कैसा, हो गया था। हाँ ये क्या कैसा समय निकला आपके लिए? ये सबके लिए काफी मुश्किल भरा समय था। मुश्किल तो था ही, आई वुड नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम एनीवन, एंड जो भी जिन्होंने भी फाइट किया है, लोगों की मदद की है, अपना ख्याल रखा है, अपने जाने वालों का, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का, द डॉक्टर्स आउट द सोल्जर्स आउट द जिसने भी मेहनत की है लोगों को बचाने की एंड हेल्प इन एनी वे, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम था जो किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था मोस्टली ये लाइफ में, एक घर पर बैठ के 10 महीना कौन करता है, अपने अपने बहुत घरों में भी अपने प्यारे जो होते हैं, अपने चाहने वाले, अपने फैमिली मेंबर्स, उनके साथ लोगों के प्रॉब्लम्स चालू हो गए। आई मीन इट वॉज अ टेस्ट फ्रॉम गॉड, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, या तो मिलने तो काफी मुश्किल था, मुझे दो बारी कोविड हो चुका था, लेकिन ठीक हुआ भी। फिल्म में आपका लुक बहुत ही एक रूलर टाइप का, एक देसी बंदा कहें वैसा दिख रहा है ना, है उसमें। तो इस कैरेक्टर को करने के लिए आप कितना मेंटली प्रिपेयर थे, क्योंकि आपको इससे पहले अलग ही किरदार में देखा है, अनुराग कश्यप की ये फिल्म में अलग ही है ना? तो एक्चुअली लकीली अनलकीली मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो कोविड का जो समय था वो लॉकडाउन के बाद ही शूट हुआ था, तो माइंडसेट मेरा काफी थोड़ा हिला हुआ था ऑलरेडी, बिकॉज वो लॉकडाउन के बाद ही शूट किए हम लोगों ने, दैट आल्सो ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब ही थोड़ा सा लॉकडाउन के सेक्शंस लगे थे तब हमने ये शूट की है, और बहुत मुश्किल से शूट की है, एंड जब ये कैरेक्टर को फील किया मैंने कृष्ण भगत का, तो वो एक माइंड थॉट में ही चला गया कि ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 10 रुपए भी नहीं होते खाना खाने के लिए कभी,
और जिन्होंने सिर्फ लोगों की मदद की है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, तो वो माइंडसेट लेकर मैं सेट पे जाता था और ऑटोमेटिकली आ जाता था कॉस्ट्यूम पहनकर, लोकेशंस, कैमरामैन, सेटिंग, डायरेक्टर, ये सब चीजें मिलके ना वो एक कैरेक्टर को ना और ऊपर चढ़ा देता है, तो परफॉर्मेंस के लिए. तो हाँ, ऐसा फील किया मैंने. आपकी एक्टिंग को लेकर, फिल्म को लेकर फैमिली मेंबर्स के क्या रिएक्शन आ रहे हैं? शक्ति कपूर जी के क्या आ रहे हैं? श्रद्धा का क्या आ रहा है? पद्मनी कोलापुरी जी का क्या आ रहा है, जो आपकी मौसी हैं? मेरी मासी ने बोला कि बहुत ही अच्छा किरदार निभाया आपने, बट आप यू आर टू गुड लुकिंग टू प्ले दिस कैरेक्टर, मतलब तुम बहुत सुंदर दिखते हो कैरेक्टर प्ले के लिए. मैंने उनसे कहा कि यार ऐसे सुंदर लोग भी होते हैं आई एम गेसिंग जो बट नहीं, वो तो एक्चुअली वो ऑफ कोर्स वो मासी ही है, बट उनको बहुत अच्छा लगा मेरा परफॉर्मेंस. एंड बहन को अच्छा लगा, डैड, मेरी मॉम को बहुत पसंद आया, मेरी मॉम रोने लग गई थी. तो मतलब ऐसा इम्पैक्ट अगर मैंने लोगों को दिया है तो कहीं कुछ सही तो किया होगा मैंने. आई थिंक श्रद्धा और आपका फिल्मी करियर ऑलमोस्ट साथ में ही शुरू हुआ था, तो कभी कभी ऐसा होता है कि श्रद्धा किसी आपकी एक्टिंग को लेकर कुछ टिप्स देती हो, नहीं सिद्धांत ऐसा करना था, ऐसा कुछ होता है? नहीं, स्टार्टिंग में बहुत करते थे हम, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस हो गया हम अभी. तो इनिशियली मैंने काफी असिस्टिंग डायरेक्शन किया है प्रियन जी के साथ 2003 4 5 में, सिक्स में. तो नॉलेज बिहाइंड द कैमराज मुझे बहुत होता था तभी. तो श्रद्धा जब भी तीन पत्ती की शूटिंग के लिए जाती थी तभी शी यूज्ड टू कम एंड आस्क मी क्वेश्चंस लाइक, भैया लॉन्ग शॉट क्या होता है, ये लेंस कितना होता है. तो वो एक उनके अंदर जो फायर है और सीखने की जो इच्छा अब तक है, दैट इज व्हाई शी इज, और इतनी हम्बल है वो. सो ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं अभी अभी, फन में चीजें डिस्कस करते हैं, अलग चीजें डिस्कस करते हैं, टिप्स तो देती रहते हैं. वो मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी है. तो पापा जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो हम उनके आगे जाकर बैठ जाते हैं अगर कुछ सीरियस टिप्स चाहिए हो हम दोनों को, परफॉर्मेंस बेस्ड या फिल्म बेस्ड, बिकॉज उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है. आपको ऐसा नहीं लगता किसी फिल्म मेकर को एक फिल्म बनानी चाहिए जिसमें फैमिली मेंबर्स हो? शक्ति जी हो, शिवानगी जी भी एक्ट्रेस रही हैं, श्रद्धा तो है ही है, आप भी हैं, पद्मनी जी हैं, तेजस्विनी जी भी हैं, मतलब पूरी फैमिली में एक्टर्स हैं, तो आपको नहीं पंकज लगता कि पंकज भी है, पंकज भी एक्टर है, प्रियांक भी एक्टर है. हाँ तो हमारे फैमिली में आई थिंक द ओनली पर्सन इन आवर फैमिली जिसने एक्टिंग नहीं की है वो है टूटू जी, जो प्रोड्यूसर रह चुके, और अभी वेदिका जो आई थिंक वो एक्टिंग कर लेगी जल्दी. मेरा आपसे एक जाते जाते आखिरी सवाल, कि आप कभी मध्य प्रदेश आए हैं? क्योंकि श्रद्धा तो बहुत आई थिंक ज्यादा स्त्री स्त्री टू के लिए चंदेरी, स्त्री वन के लिए चंदेरी आ चुकी है। मैं हम भोपाल जा चुके, काफी इंदौर जा चुके, वहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद है, वहाँ का माहौल, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेचर है, खाना है, मुझे मध्य प्रदेश का बहुत ही पसंद लगता है. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टेट्स इन द कंट्री आई मस्ट से, मध्य प्रदेश. अच्छा, खाने में क्या, खाने में क्या, खाने का नाम आ जाता है तो मैं वो क्वेश्चन मैं रुक ही नहीं पाता हूँ पूछने एम एम एमपी से मैं पोहा बहुत, मुझे इंदौर इंदौर का जो पोहा है और खिचड़ी जो होती है वहां पर, और जो वहाँ का जो 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 रस्से वाला चिकन जो होता है आप लोगों का, जो कभी कभी आई थिंक गाउटी स्टाइल भी बनाते हो आप लोग, तो बहुत ही मतलब खाने का मैं बहुत शौकीन, मुंह में पानी आ रहा है मेरे. इंटरव्यू के बाद आप फ्री हैं मैं जा रहा हूँ खाने, सिद्धांत मेरा प्लेट नीचे, मेरी मुझे बुला रहा है. हाँ, सिद्धांत, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद आपका। यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भाई, टेक केयर, जय हिंद. ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत कपूर, जिन्होंने अपनी फिल्म चलती रहे जिंदगी को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।